तो अभी बज रहे शाम के 6:30 और आज फाइनली मम्मी आ गई है वापस। और देखो आके भी चैन नहीं है, काम कर रही है, पैर में लगा है फिर भी काम कर रहे हैं। अभी दादी ने सारे एनिमल्स को पानी पिलाया, देखो अभी भी चैन नहीं है, पैर में लगा है फिर भी गायों की जगह साफ कर रहे हैं। पैर एकदम सूज के ऐसा हो गया, वरना था ऐसा, अभी हो गया ऐसा। देखो सूज के कैसे हो गया पूरा, फिर भी चैन नहीं है ऐसे। यहाँ पर पता है कि दुख रहा है फिर भी ऐसा कर रहे हो, बाद में बोलते हैं कि मेरे को दर्द होता है। हम है काम करने के लिए वहां पर खटिया डाल के रखा है, फिर भी नहीं बैठते वहां पर, यहाँ पर आके काम करने। देखो अभी भी बोल रहे काम मत करो, फिर भी कर रहे। चलो घर पे वो पूजा कर लेगी। तो वो तो अभी चेंज किया ना इसलिए। तो ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं सब। देखिए अभी इस तरफ नदी देख के आते हैं। मम्मी कैसा है, कुछ भी लगा होता है फिर भी जो उनका काम है वो उनको करना ही होता है। क्योंकि तो यहाँ पर है हमारे वेगड़ की समाधि, उसके पास में ये विक्रांत ना शिवराज की नाम बोलने में थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जाता है ना, वो बहुत से यहाँ पर भी वहाँ पर कैसे कृष्ण की समाधि पे पूरा पत्थर वगैरह रख के पूरा बनाया है वैसे बनाना है। ये है हमारी पूरी नदी, अभी पूरी भरी हुई है, थोड़ी सी कम हुई है जरा सी, बाकी इनकी याद तो हमेशा आती ही रहेगी हमें, वो कभी बंद नहीं होगी। बाकी अभी यहाँ पर घास हो गया है ऊपर, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल रहा निकालने का। अरे ये देखो ये कितना बड़ा हो गया है उम्बरा, इतना सा था तब लगाया था ये देखो पूरा, और ये भी इतने सी थी। ये जो है ना वेल हम बोलते हैं वो इतने सी थी, कहीं पर भी नहीं ये ले बड़ी नहीं होती। घर पे हमने 4-5 जगह पे लगाई थी, वहाँ पर बड़ी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर जैसे ही लगाई ये पूरी कहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। अभी तो और इसमें पत्ते आएंगे। देखिए देखो ये कहाँ से एक दिन निकालनी है पूरी, तो वो पूरा एक दिन संडे को आराम से करेंगे शाम टाइम। वेगड़ की समाधि वगैरह बनानी है वेगड़ की और शिवराज की, बाकी भगवान करे किसी को भी ना हो लंपी। देखिए यहाँ पर हमारी मूंगफली, अभी इसमें भी शायद खाने जैसी तो हो गई होगी। देखो देखो देखिए यहाँ पर हमारा विक्रांत एकदम सही सलामत है। यहाँ पर रिद्धि, इसको भी कुछ नहीं हुआ है। ये देखो आओ, यहाँ पर सिद्धि, यहाँ पर गजानंद गोपली, गोपली अभी मिल्किंग कर में थोड़ा सा कर रही है, लेकिन अभी कुछ दिनों में हो जाएगी, क्योंकि थोड़े दिन आती है ना अपने बेटे की याद, तो इस वजह से। यहाँ पर राधा, पूनम और कृष्णा, और यहाँ पर कृष्णा, बस बस ये भी आई। देखो और अभी कुछ ही दिनों में एक और गुड न्यूज़ आएगी, क्योंकि तोरी भी अभी शायद 10-15 दिनों में बच्चा देगी, तो वो भी आएगी, आएगा एक आएगी आएगा जो भी आए।
बस इस बार एक्सेप्ट कर ले, कर ही लेगी इस बार, इसको पता नहीं क्या चाहिए। बाकी अभी चलते हैं घर पे। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राम राम सीताराम, कैसे हैं आप सब। तो अभी इस तरफ हो रही है बहुत जोरों की बारिश, इस तरफ क्या आता है मेरे को नहीं पता, इस तरफ कुछ नहीं है, लेकिन इधर कब की हो रही है और अभी कुछ कुछ इधर भी आ रही है, ऐसा लग रहा है आएगी ही आज, तो आज तो आएगी ही शायद, पक्का शायद नहीं। उधर मम्मी और दादी काम कर, मम्मी का पैर दुख रहा है फिर भी वो काम कर रहे हैं। मैंने ना बोला कि मत करो, लेकिन फिर भी पता तो है आपको कि वो किसी की सुनने वाले तो है नहीं, और दादी भी, और मैं वीडियो शूटिंग कर रही हूँ। अब मस्त है, वातावरण मस्त हो गया है, ना धूप भी नहीं है और अंधेरा भी नहीं है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंड भी लग रही है, और क्या आज मौसम बड़ा बेईमान। अभी कितने टाइम के बाद बारिश होगी, कितने टाइम से नहीं हुई थी। तो अभी करण भी स्कूल गए, अभी आएगा, 5 बजे है। तो इस तरफ क्या आता है वो बोलो ना, इस तरफ क्या आता है, मैं कहाँ आवे आगम, ये कोई मेरे को बोल नहीं रहा है इस तरफ क्या आता है, वो मेरे को नहीं पता। हवा भी मस्त चल रही है, मैं कब का पूछ रही हूँ क्या आता है क्या आता है, लेकिन कोई नहीं बता रहा। मैं तो बोल रही हूँ कि खंभालिया आता है। ओ गई लाइट, गई, ये एक लाइट का प्रॉब्लम बहुत होता है, जरा सी बारिश आई नहीं कि लाइट गई। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो अभी बज रहे शाम के 6:40 और अभी अभी बहुत ज़ोर से बारिश आके गई है, अभी थोड़ी देर आराम लिया है, अभी थोड़ी देर बाद वापस आएगी शायद, पूरा पानी पानी हो गया सब जगह, अभी इतना पानी दिख नहीं रहा क्योंकि चला गया इस तरफ, बहुत तेज़ आ रही थी, ऊपर से लाइट भी नहीं है, लाइट आ जाए तो अच्छा है। ये पूरा पानी देखो यहाँ से नारियलियों में जा रहा है, रात को भी शायद आएगी। बाकी अभी तोरी का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अभी 10-12 दिन में शायद तोरी भी बचा देगी, तो इस वजह से ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पता नहीं कब बचा दे दे। सॉरी को क्योंकि 10 महीने कंप्लीट हो गए हैं ना, इसलिए इसको फिर हेलो दिख ही नहीं रहा, मैं टाइसन के पास खड़ा था, आपको दिख ही नहीं रहा था, अंधेरा है क्योंकि पूरा बादल ही बादल है, घने घने बादल। नदी भी शायद अगर ज़्यादा बारिश आएगी तो सुबह तक ओवरफ्लो हो जाएगी। ये देखो कोई सब्जी का वो है, वेला हम बोलते हैं, शायद दूधी का है, दूधी को क्या बोलते हैं मैं भूल गया, हिंदी में भी क्या बोलते हैं वो भी भूल गया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी भूल गया, लौकी, हाँ देखो यार ये लौकी, लौकी का वो था पूरा, वेला हम बोलते हैं वो, लौकी का ही था शायद, तो बाद में मुझे पक्का नहीं पता। लाइट आ जाए तो ओए छतरी गिर गई, वैसे अभी बारिश नहीं आ रही, यहाँ पर भी बैठने जैसा नहीं है क्योंकि ये भी गीला हो रहा है पूरा, अभी बैठेंगे तो गीला हो जाऊँगा। आप वो देखो मोरनी पूरी भीग रखी है, दिख रही होगी आपको सब, देखो
बाद में थोड़ी देर बाद नारियल पर चढ़ के बैठ जाएगी। देखो भाई देख रही है, किसे देख रही है वो? भागो मत, मैं तुम्हें कोई मारने की नहीं आ रहा। ये मोर और ये मोरनी जो सारे बर्ड्स होते हैं वो डरते ज्यादा है, कुत्ते वगैरह फिर इतना नहीं डरते, वो फिर एकदम फ्रेंड हो जाते हैं कोई भी कुत्ता हो। फिर ऐसे कोई कोई होते हैं जो एकदम कभी फ्रेंड नहीं होते, जैसे ये पार्टीफी का टाइगर, क्योंकि मैं इतने सालों से वहाँ पर जा रहा हूँ, वो मुझे पहचानते हैं, फिर भी पता नहीं हम दोनों के बीच में क्या है ऐसा, तो हम दोनों कभी दोस्ती ही नहीं हुई। हाँ ऐसे ऐसे हाथ घुमाने दे अगर खुला हो तो वैसे कुछ नहीं करता, लेकिन उससे डर तो लगता है। ठीक है, क्या है तुम्हें? आवाज आ रही है गरजने की, पर बैठ के गए हैं लेकिन गीला हो जाऊंगा, अभी खड़ा ही हो जाता बच गया। यार ये लाइट क्यों नहीं आ रही? लाइट के बिना ना पूरा क्या बोलते हैं अच्छा नहीं लगता। लाइट जरूरी है, ना फैन चलता है, ना लैंप चलता है, ना टीवी चलती है, ना फोन चलता है। फोन इसलिए नहीं चलता क्योंकि वाईफाई है, वही वाईफाई है इसलिए फोन में बैलेंस नहीं है, और बैलेंस नहीं है तो फोन नहीं चलेगा, समझ रहे हो? लाइट जरूरी है। अब ऊपर से इन्वर्टर भी नहीं है घर पे, तो थोड़े टाइम बाद लगा लेंगे इन्वर्टर भी तो लाइट चलेगी। गांव में ना लाइट की बहुत प्रॉब्लम रहती है, लाइट जाती है तो सब कुछ बंद, लाइट आती है सब कुछ चालू, लाइट वापस जाती है तो कई कई बार तो दो दो तीन तीन दिन भी नहीं आती। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है शायद कि पूरे दिन में कभी 24 घंटे में लाइट ही नहीं गई हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो गांव में चलता रहता है ऐसे थोड़ा बहुत। चढ़ गई झाड़ पे, नारियली पे चढ़ गई, ऊपर से बारिश है ना ठीक करने भी नहीं आते, तो ये एक बहुत बड़ा ये होता है। देखते हैं कब तक आती है लाइट, बाकी बस यही था आज के वीडियो में। अगर मज़ा आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अभी तो बारिश नहीं आ रही, शायद थोड़े टाइम बाद आएगी, देखते हैं। बस यही था आज के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर भी कर देना अच्छा लगे तो। बाय।